नमस्कार दोस्तों, आज 8 दिसंबर 2016 को एक महीना हो चुका है 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए हुए, और एक महीने के दौरान हम सबको पता लग चुका है कि ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से नोटबंदी का हुआ है ये पूरी तरह वेस्ट और पूरी तरह एक फेलियर हुआ है गवर्नमेंट का। पर इस एक महीने में जो जो कष्टों का सामना करना पड़ा है आम जनता को, वो सबके सामने ही हैं, और आने वाले दिनों में भी जो कुछ होगा वो सबके सामने आएगा। पर जैसे कि हम जानते हैं, मोदी साहब ने 50 दिन मांगे थे और 30 दिन हो चुके हैं, तो उन 30 दिनों का जो ब्यौरा है वो इस प्रकार है कि मोदी जी ने जिस तरीके से नोटबंदी की, उसके बाद कोई भी प्लानिंग ना होने की वजह से हर किसी को कष्ट से गुजरना पड़ा। बीजेपी के नेता, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो जो 33 लाख रुपए के साथ पकड़े गए, गुजरात में 2-3 गाड़ियां पकड़ी गई 2000 के नए नोटों के साथ, और जिस तरीके से जो महेश शाह गुजरात के हैं, जो 13000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के तौर पे उन्होंने डिक्लेरेशन की थी, पर एंड में वो बता रहे हैं कि वो पैसा एक्चुअली पॉलिटिशियंस का था। इसके अलावा और भी बेंगलोर में 5 या 6 करोड़ रुपये पकड़े गए, अलग अलग स्टेट्स में किस तरीके से नोटों को 50-50 बदला गया, जैसे ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए जिस तरीके से ब्लैक मनी होल्डर्स ने काम किया, और यहां तक कि गवर्नमेंट भी एक 50-50 का रूल लेकर आई है जिसमें आप 50% शो कीजिए और उसके बाद आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी कि आपको केस नहीं होगा। सो ओवरऑल जिस तरीके से देखा जाए, इट्स ए बिग फेलियर। इन सब के अलावा मोदी जी 2-3 जगह रोए भी हैं, तो जब इंसान रोने लग जाए तो उससे पता लगता है कि उसके तर्क में उतनी शक्ति नहीं रही। जब आपके हर प्रोपेगेंडा फेल होने लगे तो रोना ही बसता है, तो वो भी उन्होंने कर देख लिया। रिसेंटली अभी जो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर आई है कि अब कर्नाटक में एक HRD मिनिस्ट्री की तरफ से सर्कुलेशन भेजा गया है कि जो भी स्टूडेंट नोटबंदी प्रमोट करेगा उसको कुछ एक्स्ट्रा ग्रेड्स दिए जाएंगे, जो कि एजुकेशन सिस्टम का मिसयूज करना है। लिंक जो उस न्यूज़ का है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और भी जितने भी बीजेपी की लीडर्स जो हैं वो, या मंत्री या उनके बीजेपी मेंबर्स जो नकली नोट या फिर 2000 रुपये के नोट्स के साथ पकड़े गए हैं, उनकी भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जरूर देखिए। तो इससे साफ पता लगता है कि बीजेपी किस तरीके से खुद ही ब्लैक मनी में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो 170 प्रॉपर्टीज़ इन्होंने जनवरी से लेकर खरीदी 2016 जनवरी से नवंबर 8 से पहले, तो वो भी एक शक पैदा करता है कि किस तरीके से बीजेपी मिनिस्टर्स ने अपना ब्लैक मनी ठिकाने लगाया है। मैं आज तक पे देख रहा था एजेंडा, जिसमें अमित शाह भी आए थे, मनोज पर्रिकर, अरविंद केजरीवाल और काफ़ी नेताओं ने एजेंडा में अपने वक्तव्य रखे हैं। तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया अमित शाह से कि क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज को RTI के अंदर लाना चाहेंगे, तो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया कि सभी पार्टी की सलाह के साथ चलेंगे। तो कहने वाली बात यह है कि क्या नोटबंदी के लिए सभी पार्टीज की सलाह ली गई थी? और अगर उसमें नहीं ली गई तो अब आप RTI में लाइए और सभी पार्टीज को लाइए, अपनी खुद की भी और दूसरी भी। इसके अलावा मोदी साहब के भाषण है कि बीजेपी मिनिस्टर्स अपने जो खाते हैं वो मोदी के डिक्लेरेशन के बाद जितना भी ट्रांजैक्शन है वो अमित शाह को शो करे, तो उस पे है कि 8 नवंबर के बाद क्यों, उससे पहले एक साल का ट्रांजैक्शन क्यों नहीं? और नॉट जस्ट लिमिटेड टू बीजेपी, आपको चाहिए कि सभी पार्टीज़ के आप ट्रांजैक्शंस देखें और पब्लिक डोमेन में लाएं। रिजर्व बैंक कह रहा है कि 12 लाख करोड़ रुपए बैंक में आ चुका है, टोटल 14 लाख करोड़ था। इसका मतलब है 85% जो पैसा है वो डिपॉजिट हो चुका है, तो अभी तक तो ब्लैक मनी का कोई पता नहीं लगा। तो इससे बिल्कुल जो नीयत है वो भी पता लगती है कि किस तरीके से बड़े अमीरों का साथ दिया गया और गरीबों को परेशान किया गया। 12 लाख करोड़ आ चुका है, 2 लाख करोड़ अभी आना है, आने वाले टाइम में आएगा, लेकिन जिस तरीके से अब उसके बाद दोबारा 50-50 स्कीम लाए हैं, तो उससे पता लगता है कि बीजेपी किस तरीके से कॉरपोरेट्स के साथ काम कर रही है। आम जनता से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आने वाले टाइम में UP, गोवा, पंजाब में इलेक्शन है, सबसे मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँगा कि आप अपना दिमाग लगाएं और अच्छे कैंडिडेट को वोट कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। एक इंग्लिश में कहावत है कि प्लीज़ वोट योर, डोंट वोट योर कास्ट,
कास्ट योर वोट, कि अपनी जाति को वोट मत दीजिएगा, आप अच्छे इंसान को वोट दीजिए चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उनके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कीजिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो, और आपके पास वेबसाइट या इंटरनेट एक्सेस नहीं है, कोशिश कीजिए कि आप कैंडिडेट के बारे में, उनके पास रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए, पढ़े लिखे और एक्सेसिबल नेता को वोट कीजिए, अदरवाइज ये फिर से आपको ही बेचकर खाएंगे। जिस प्रकार मोदी ने अपना प्रोपेगेंडा चलाया और लोगों को बेवकूफ बनाकर जीता, और आप बिल्कुल वो क्रोनी कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, पेटीएम का बढ़ावा दे रहे हैं, और ये सब चीज़ें देखिए और अपना दिमाग लगाते हुए अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए। आपके बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य आप ही के हाथ में है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। धन्यवाद।